गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। दलित विधायक पर लखनऊ की गैंगस्टर कोर्ट ने जारी की NBW। इस मुकदमे में विधायक सहित 18 लोग हैं आरोपी। विधायक का बयान, मुझ पर चल रहे सभी मुकदमे राजनीति से प्रेरित और झूठे हैं। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर लखनऊ की गैंगस्टर कोर्ट से NBW जारी होने के बाद जखनिया से सुभाषपा विधायक बेदी राम का बयान सामने आया है। कोर्ट से NBW जारी होने के बाद सुभाषपा विधायक बेदी राम ने कहा कि ये बहुत पुराना केस है, इसमें 18 आरोपी हैं। बेदी राम ने दावा किया कि मैं और मेरा वकील हमेशा कोर्ट जाते हैं। बेदी राम ने कहा कि मामले में कुछ आरोपी कोर्ट में नहीं उपस्थित हो रहे थे, ऐसे में कोर्ट ने सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने के लिए NBW जारी किया। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई को इस केस में चार्ज बनना है। अपने वायरल वीडियो पर भी बेदी राम बोले और कहा कि वो डीप फेक वीडियो है और AI तकनीक से बनाया गया है। बेदी राम ने कहा कि सब राजनीति से प्रेरित है, नीट पेपर लीक में मेरा नाम नहीं है। बेदी राम ने कहा कि मैं दलित विधायक हूँ, इसलिए विपक्ष मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम कर रहा है। मेरी गिरफ्तारी की गलत खबर चलाई गई। मेरे सभी केस झूठे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बयान के सवाल पर बेदी राम ने कहा कि उन्होंने सही कहा है, टिकट समाजवादी पार्टी के उदयवीर ने दिलाया था। बेदी राम ने दावा किया कि सुभाषपा के अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर के नौकरी दिलाने के बयान पर बेदी राम ने कहा कि उन्होंने ये मजाक में कहा था। विधायक बेदी राम लखनऊ की गैंगस्टर कोर्ट से NBW जारी होने के बाद आज अपनी पार्टी के कार्यक्रम में गाजीपुर पहुंचे थे। शहर के एक होटल में सुभाषपा का कार्यकर्ता सम्मेलन था। कार्यक्रम में अरविंद राजभर भी मौजूद थे। NBW जारी है, क्या है पूरा मामला? ये देखिए, बहुत पुराना केस है और इसमें 18 जो है 18 आरोपी है और कुछ आरोपी उसमें से जिनका देहांत कुछ का देहांत हो गया है और कुछ लोग नहीं आते थे और कुछ लोग आते थे और कुछ लोग एप्लीकेशन भिजवाते थे। तो कल माननीय अदालत ने एक आदेश जारी किया कि आप लोग 26 तारीख को सभी लोग उपस्थित होइए और उसमें ये भी हुआ कि जो जिनके एप्लीकेशन पड़े थे, मेरा एप्लीकेशन पड़ा था, मैं बराबर जाता हूँ, उपस्थित होता हूँ और नहीं जाता हूँ तो मेरा वकील वहाँ उपस्थित होता है, एप्लीकेशन देता है और उसमें जो लोग नहीं आते हैं उसी के साथ जो एप्लीकेशन दी गई थी उसको माननीय न्यायाधीश द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया और 26 तारीख को डेट दी गई कि आप लोग उपस्थित होइए, क्योंकि अभी तक वो चार्ज नहीं बना था, वो चार्ज बनाने के लिए सभी लोग 26 तारीख को उपस्थित होंगे, इसीलिए उसको कैंसिल कर सब लोग सब NBW जारी हुआ है। मैं मानता हूँ NBW और वो जो है कोर्ट की प्रक्रिया है, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, जो भी कोर्ट आदेश करेगी उसका मैं सम्मान करता हूँ। मामले की जो है आरोप अभी तय, आरोप तय नहीं होना है, अभी तो ये चार्ज पर ही नहीं लगा है। चार्ज पर लगाने के लिए ये प्रक्रिया की गई है, NBW जारी किया गया है, वो कोर्ट की प्रक्रिया है और उसमें सभी लोग उपस्थित होंगे और उसे आप एक फार्म भर लीजिए, तो आप इनसे देखिए, वो मंत्री जी जो कहते हैं तब मंत्री जी ने मजाक नहीं कर सकते हैं, वो मजाक में उनका चेहरा देखे हंसते हुए उन्होंने बोला था ये मजाक किया था और मजाक में जो कहा जाता है उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। वो आप यही तो पूछिए उसको, मेरे पर आरोप क्यों लगा रहे हैं, मैं उसी को बता रहा हूँ। जो ये वीडियो डीप फेक वीडियो जारी हुआ है वो AI तकनीक के द्वारा बनाया गया है, वो मेरे बयान नहीं है, वो डिफेक वीडियो बनाया गया है और डिफेक वीडियो जानते हैं बड़े बड़े जो डिजिटल के हैं, अभी आप देखे थे उनके खिलाफ डिफेक वीडियो बनाया गया है AI तकनीक के द्वारा। तो मेरी क्या है, जो मुकदमे राजनीति से प्रेरित है, छोटे मोटे मुकदमे हैं, बहुत बड़े मुकदमे नहीं है। और जो अभी आप लोग नीट 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 चिल्ला रहे थे, स्पष्ट सुनिए, नीट नीट चिल्ला रहे थे और विपक्षी द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था
विपक्षियों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि इतनी जो है हास्यास्पद बातें हैं कि नीट में मेरा नाम नहीं, किसी आरोपी ने नाम नहीं लिया, जांच एजेंसी ने नाम नहीं लिया, और देश की सबसे बड़ी एजेंसी, सबसे बड़ी एजेंसी जांच कर रही है। कौन सबसे बड़ी एजेंसी होती है? सीबीआई। सीबीआई जांच करती है, और जिसकी जांच सीबीआई करती है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। अगर मैं होता तो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे चार्जशीट कंपनी उसके जो आरोपी थे वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया, और मैं उसमें था ही नहीं, साथ को कोई याद नहीं है। और मैं ये भी कहा था अगर दूर दूर तक मेरा पेपर लीक में इसमें लीक में अगर जो अफवाहें जो विपक्षी पार्टियां इतना अफवाह फैला रही थी और इतना फैला रही थी कि ये बेबी राम का नीट पेपर लीक में हाथ है, मैं चैलेंज करता हूँ जिस दिन नीट पेपर लीक में मेरा नाम आ जाएगा। और अब तो चार्जशीट सीबीआई द्वारा दाखिल भी कर दिया गया, आ जाएगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं एनडी टीवी पर कहा था, और ये विपक्षियों की साजिश है, विपक्षी पार्टियों की साजिश है, मुझे बदनाम करने की साजिश है। मैं एक दलित विधायक हूँ, दलित विधायक होने के नाते मुझे विपक्षी पार्टियों द्वारा मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, मेरे नेता को बदनाम किया जा रहा है, एनडीए को बदनाम किया जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को बदनाम किया जा रहा है। आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पेपर लिखने मेरा नाम बताया जा रहा था और मैंने कह दिया कि बेबी राम तो गिरफ्तार है, मैं क्या गिरफ्तार था? मैं गिरफ्तार नहीं था, उन्होंने कहा एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, मैं कहां गिरफ्तार था? अरे हाथ से प्रेत बातें तो तब हो गई, मैं एनडीटीवी पर बयान दे रहा था, उन्होंने ये कहा, एक मीडिया ने कहा, मीडिया का नाम मैं नहीं लूंगा, अब 12 घंटे उन्होंने चलाया है मेरा नाम, मैं एक दलित विधायक हूँ, दलित विधायक होने के नाते उन्होंने 12 घंटे चलाया, नीट का आरोपी बेबी राम फरार है, फरार है, एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अगर अगर एसटीएफ ने मुझे गिरफ्तार किया था तो मैं एनडीटीवी के सामने बयान कैसे दे रहा था? एनडीटीवी के सामने मैंने बयान दिया कि मैं, आप बताइए कितनी हास, देखिए कितनी हास्यास्पद बात है, उसको सुनिए, आप सुनिए, मैं दलित विधायक हूँ, दलित विधायक के नाते चाहे जो मीडिया चाहे जो विपक्षी पार्टियां द्वारा मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैं सबसे यही कहूंगा, दलित विधायक किसी और विधायक पर क्यों नहीं लोग आवाज उठाते हैं, क्यों नहीं लोग आवाज उठाते हैं जिसका किस राजनीतिक, आप बताइए किस राजनीतिक के ऊपर केस नहीं है, झूठे केस रखते हैं, उसी तरह से मेरे सारे केस झूठे हैं और मेरे सारे केस छूट चुके हैं, एक आध बातचीत बाकी रह गया है, नहीं छोटे से छूट गए हैं। बोलने दो, साथ को बात नहीं है, मैं सच्चा आदमी हूँ, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे बोलने दो, अभी आप लोगों को मैं कसम तो नहीं धरा सकता, इसको चलाना पड़ेगा और चलाइए। एक आदमी पूछिए, मैं सबका जवाब दूंगा, क्योंकि मैं साथ हूँ। बोलिए, बेबी राम जी जो है अखिलेश यादव के आदमी है, उनको डाकघर ने कहा, उनके बयान को लेकर वो सही कहे हैं, जिस समय टिकट दिया जा रहा दूंगा, क्योंकि मैं साथ हूँ। बोलिए, बेबी राम जी जो है अखिलेश यादव के आदमी है, उनको डाकघर ने कहा, उनके बयान को लेकर वो सही कहे हैं, जिस समय टिकट दिया जा रहा था उस समय समाजवादी पार्टी के माननीय है उदयवीर सिंह के सामने ले जाया गया, उन्होंने जिसको कहा टिकट देने के लिए, मुझे भी टिकट देने के लिए कहा गया, किनको टिकट दीजिए, उदयवीर सिंह के कहने पर दिया गया है, तब माननीय नेताजी ने दिया है। और यही नहीं, एक हमारे राय साहब पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और उनके लिए भी जगदीश राय जी हैं, उनके लिए भी माननीय राष्ट्रीय पार्टी के वो जो है उदयवीर सिंह ने दिलाया था, आप और या बास हैं उनको भी, और दूधराम जी हैं उनको भी, हंसू राम जी हैं उनको भी, सबको टिकट दिलाने का काम किए हैं उदयवीर और समाजवादी पार्टी के, और क्या उदयवीर माननीय उदयवीर जी माननीय किसी का नाम नहीं लूंगा, समाजवादी पार्टी से पूछ कर ही सबको टिकट दिए होंगे। क्या इसमें ओम प्रकाश जी आपके साथ हैं?
हमारे साथ है, हम सही है, इसलिए है अफवाह उड़ाने से विपक्षियों द्वारा, अफवाह उड़ाने से विपक्षी पार्टियों द्वारा, विपक्षी पार्टियों द्वारा ये जो अफवाह फैलाई गई है उसको उसको कहने से, उसको कहने से अध्यक्ष जी नहीं छोड़ेंगे। विधायक, एक आखिरी सवाल, आपके द्वारा आपको कोर्ट के द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था, बता दिया मैंने, क्या था पूरा मामला, अब क्यों एनबीडब्ल्यू जारी कर रहा है? पूरा मामला कोर्ट से देख लीजिएगा, उसमें ऐसा है 2006 में एक केस हुआ था जिसमें झूठे मुझे घसीटा गया, उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं है, और वही है जितना पुराना केस था, और इसमें कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग नहीं आ रहे थे, और कुछ लोग एप्लीकेशन दे रहे थे, और कुछ लोग उपस्थित भी हो रहे थे, तो उसमें उसमें जो है एनबीडब्ल्यू था, और वो कोर्ट के द्वारा जो है उसमें केस तो किसी पर लगाया जा सकता है, किस तरह वो पेपर लीक से संबंधित था, तो झूठे भी आपको कहा जा सकता है, जहां 18 आदमी है तो सब पेपर लीक नहीं कराते हैं, और ये भी मैं बता दूं, पेपर लीक मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे तो बाद में ले जाके जाएगा, क्योंकि मैं दलित हूँ ना, हर आदमी दलित पर आ जाते, अरे मीडिया वाले भी घर में घुस जाते हैं, मैं क्या बताऊं। ठीक है, धन्यवाद।